Hello everyone, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. So, 9th class, today we are going to read a poem that is so much filled with moral. ये हम इंसानों के बारे में है, जहाँ पर आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, बहुत सारी पोइम्स पढ़ी हैं, कुछ इंसानों के बारे में, कुछ जानवरों के बारे में. यहाँ जो पोयम है वो सिर्फ इंसानों के बारे में है. ये हमें उस यूनिटी के बारे में याद दिलाती है जो हम इंडियंस में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब के बीच में होनी जरूरी है. पोयम का नाम नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी इंसान विदेशी नहीं होता, कोई भी आदमी या कोई भी इंसान विदेशी नहीं है. यहाँ दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, स्ट्रेंज और फॉरेन. ये वर्ड्स हमारे बनाए हुए हैं, पहले से ही कोई नहीं जानता था स्ट्रेंज किसे कहते हैं. जब सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो स्ट्रेंज वर्ड का मतलब ही नहीं निकलता है. स्ट्रेंज का मतलब अजीब, अजनबी, जिसे आप, जिस चीज से आप अवेयर नहीं है, जिसे आप जानते नहीं है. यहाँ जो दो वर्ड्स हैं, इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर पॉइंट ने अपनी पूरी बात कहनी चाहिए है. वो कहता है कि कोई भी देश विदेशी नहीं होता, कोई भी देश अजीब नहीं है, कोई भी इंसान अजनबी नहीं है या कोई भी इंसान विदेशी नहीं है. हम सारे एक मिट्टी से बने हैं. एक मिट्टी से बनने का मतलब है कि हम सारे उसी जमीन पर रहते हैं, सेम लैंड पर हम वॉक करते हैं, सेम एयर में हम ब्रीद करते हैं, सेम वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, सेम सनलाइट को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो सेम सनलाइट को हम एक्वायर करते हैं. ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सेम होती हैं, तो फिर स्ट्रेंज और फॉरेन जैसे वर्ड्स का मतलब कहाँ रह जाता है. इसी बारे में जो पॉइंट है वो हमें समझाना चाहता है कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता, कोई भी देश विदेशी नहीं होता है. तो इन दो वर्ड्स को अपने दिमाग में ना रखकर, अपने दिल से ना लगाकर, हमें उन चीजों पर काम करना चाहिए जिससे हम सारे लोग मिलजुल कर रह सके. He says, the poet says, James कहता, वो कहते हैं कि जो हेट और फाइट जैसी चीजें हैं वो इंसान अपने मन के अंदर लेकर आता है. कोई पैदा होता ही नहीं सीखता है कि आपको इससे नफरत करनी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे लड़ो, इससे प्यार से बात करो. जब छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको सबको प्यार करना ही सिखाया जाता है. किसी को पैदा होता ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम इससे लड़ाई किया करो. ये हेट और फाइट जैसे जो वर्ड्स हैं वो हमारे बनाए हुए हैं, हमारे जैसे लोगों के बनाए हुए हैं. Then he says कि जो हेट है उसे हटाना जरूरी है अपने मन में से, और जो फाइट की फीलिंग है उसे अपने मन से दूर करना जरूरी है. तब जाके ये स्ट्रेंज और फॉरेन जैसे वर्ड्स हमारे लिए यूजलेस हो जाएंगे. तो इस पोयम को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और फिर आई होप आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और कुछ अच्छा ही जानेंगे इस पोयम से. लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे जैसे लोग नहीं होते हम उन्हें अजीब क्यों बताते हैं, या हमारे जो हमसे हमारे अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्हें हम फॉरेन क्यों बताते हैं? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस एज दैम. हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ये बात सोचने के कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे अलग हैं, हम उनकी तरह नहीं हैं. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, वो किसी और देश से बिलोंग कर सकते हैं, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. इन दिस पोयम हाउ एवर द पोइट रिमाइंड्स अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, फॉर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन. इस पोयम में जो पोइट है जेम्स किरकप, ये हमें बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये सोचने के तो बहुत सारे तरीके हैं कि ये हमारे जैसा नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं दिखता वो फॉरेनर हो गया, चाहे भले ही वो बंगाल से क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका से क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका से क्यों ना हो, जो हमारे जैसा नहीं है वो फॉरेनर है. और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम नहीं गए हैं या फिर जहाँ पर हम परमानेंटली नहीं रहते हैं, वो कंट्रीज़ हमारे लिए फॉरेन हो जाती हैं. तो जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना हमें इस पोयम के थ्रू बताना चाहता है कि हम सभी सेम हैं और
क्यों सेम है हम सभी? क्योंकि हम सभी इंसान हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर सेम हैं। चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन। याद रखो, कोई भी आदमी अजीब नहीं होता, कोई भी इंसान अजनबी नहीं होता, कोई भी देश फॉरेन नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, उन सभी कपड़ों के नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा शरीर ही सांस लेता है। चाहे देखने में शायद लोग अलग अलग हैं, लेकिन सोल तो सबकी एक जैसी है ना। जीने के लिए सब वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो लोग भी वही खा रहे हैं। लाइक अर्स, हमारी ही तरह, द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, वही ज़मीन है जिस पर हमारे भाई चलते हैं। हमारे भाई मतलब हमारे जैसे दूसरे इंसान। इज अर्थ लाइक अस, वही ज़मीन है, वही अर्थ है, जहाँ जो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है वही उनके पैरों के नीचे ज़मीन है। इन विच वी ऑल शैल लाई, इस ज़मीन के अंदर ही हम सारे के सारे दफन हो जाएंगे, मर जाएंगे। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, उन्हें भी सूरज, हवा और पानी के बारे में उतना ही पता है जितना हम जानते हैं, वो भी इसे वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी खाने के लिए उन फसलों पर डिपेंड रहते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और वो लड़ाइयाँ जो इतने सर्दियों में, इतनी ठंड में लंबी चलने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, तो इस ठंड से या इन लड़ाइयों से जितना वो लोग सफ़र करते हैं उतना ही हम भी सफ़र करते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उन हाथों की जो रेखाएं हैं, जो हमारे हाथों में रेखाएं हैं, वो उनकी हाथों में रेखाएं हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, और उन हाथों के ऊपर जो लाइनें पड़ी हैं, जिस मेहनत से वो इनके हाथों पर इतनी रेखाएं पड़ी हैं, तो वही मेहनत हम करते हैं और वही मेहनत वो लोग भी हमारी तरह ही करते हैं। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक, याद रखो, उनकी भी वैसी ही आँखें हैं जो जागती हैं हमारी तरह, और स्लीप, और सोती हैं हमारी तरह। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, वही हिम्मत है उनके अंदर जो प्यार से जीती जा सकती है, वही जोश जिसे प्यार से, लगाव से अपना बनाया जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक ज़मीन में एक जैसी ही जिंदगी है, हर धरती पर मतलब हर देश में एक जैसे लोग रहते हैं। दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, वही एक जैसे लोग जो रहते हैं इकट्ठे, जो हमें पहचान भी सकते हैं और हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं, तो फिर वो अलग कैसे हुए? लेट अस रिमेंबर, चलो याद रखते हैं, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, कि जब भी हमें हमारे जैसे लोगों को नफरत करने के लिए कहा जाए, हमारे भाइयों से हमें लड़ने के लिए कहा जाए, इट इज़ आर सेल्फ्स दैट वी शैल डिस्पोज, ये हम ही तो लोग हैं जो एक दूसरे को खो देते हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, बिट्रे धोखा देते हैं, कंडेम और एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। रिमेंबर, याद रखो, वी पुट एक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये ह्यूमंस की अर्थ ही तो है जिससे हम, एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर कोई ह्यूमन बचेगा ही नहीं, क्योंकि हम सारे ही आपस में लड़ते रहते हैं। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हमारे अंदर की जो गंदगी है, जो बुराई है, वो हमारी मासूमियत को ख़त्म करती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, और वो हवा जो हर जगह हमारी जैसी ही है, मतलब हर जगह एक जैसी हवा ही जो हम फील करते हैं, जो हर जगह एक जैसी ही हवा चलती है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, तो याद रखो कि कोई भी देश फॉरेन कंट्री नहीं है, और कोई भी जो इंसान है वो अजनबी नहीं है। यहाँ लास्ट लाइन में उसने अपोजिट वर्ड यूज़ करे हैं कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री अजीब नहीं है। यहाँ जो पॉइंट है वो हमें मेन चीज़ क्या समझाना चाहता है कि इतना कुछ हम एक जैसा फेस करते हैं, जैसे एक ही हवा में सांस लेना, वही पीने के लिए पानी यूज़ करना, वही रोशनी के लिए सन यूज़ करना,
उसी ज़मीन पर चलना, उसी फसल से खाना खाना, फिर भी हम सारे लोग आपस में लड़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को अजनबी या अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये समझाते हुए पॉइंट सिर्फ इतना कहना चाहता है कि हमें एक दूसरे पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और किसी भी इंसान को अजनबी या फॉरेनर ना समझकर उसे अपने भाई जैसा ही मानना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।